देख रहे हैं आप टीवी 45 और बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, झारखंड की बात हो, भ्रष्टाचार की बात ना हो, घपले की बात ना हो, घोटाले की बात ना हो, ये अब संभव ही नहीं है। जी हाँ, आए दिन आपको नए नए फर्जीवाड़े, नए घपले, नए घोटाले सुनने को मिल रहे हैं। एक और घोटाला है लातेहार में, वो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे मनरेगा योजना में गड़बड़ी की गई है बड़े पैमाने पर। दरअसल यहाँ पर मनरेगा योजना के नाम पर बड़ी धांधली हुई है। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि जो शख्स एक कैदी है, जो जेल में बंद है, उसके नाम पर भी पैसों की उगाही कर ली गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, स्कूली बच्चे, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके नाम पर भी पैसों की उगाही की गई है। मतलब पैसे निकाल लिए गए हैं वो उनके नाम पर, जो मनरेगा मजदूर नहीं है। और वो भी सोचिए आप कि जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उन्हें मनरेगा मजदूर बताकर पैसे निकाल लिए गए। उसके बाद आप देखिए, जो जेल में बंद कैदी है उसके नाम पर पैसों की निकासी कर दी गई। ये सब कैसे, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, आप इसी से समझिए कि कैसी धांधली हुई है, कैसा घपला हुआ है इस मनरेगा योजना में। टीबीसी योजना के नाम पर भी फर्जी निकासी हुई। लेकिन इन सबके पास एक चीज बड़ी हैरत वाली है कि इस मामले को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। कमीशन खोरी की लालच में बिचौलिए इस कदर हावी हैं कि किसी भी तरह से, यानी कोई भी जरिया ढूंढ लेते हैं कि सरकारी योजना में कैसे भी लूट खसोट कर ली जाए। और इसी का नमूना है ये लातेहार में, जहां पर सीसी पंचायत में ये निकासी की गई है, अवैध निकासी हुई है, बड़ा घपला हुआ है। और देखिए, मजेदार बात ये है कि दो अलग अलग पंचायत एक ही योजना को अपनी योजना बता रहे हैं। तो आप इसी से समझिए कि बिचौलिए किस कदर हावी है वहां पर। और क्या है ये पूरा मामला, कैसे फर्जी निकासी की गई, किन किन को बनाया गया है मनरेगा मजदूर, आपको तो मैंने ऐसे ही बताया कि देखिए, जेल में जो बंद कैदी है उसके नाम पर निकासी की गई है, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके नाम पर निकासी की गई है। हम बात करेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि आप एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, रिपोर्ट दिखाइए। मनरेगा रोजगार की गारंटी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की गारंटी बन गई है। उसका सबसे बड़ा जीता जागता मिसाल ये शख्स है, ये छठराम सिंह है। छठराम जेल में थे और इनके खाते में मनरेगा मजदूरी का पैसा पहुंच गया। जेल से बाहर आए तो मुखिया जी ने उनके खाते से पैसे निकलवा लिए और छठराम की हथेली पर महज 200 रुपए रख दिए। जब हम बाहर आए तो मुखिया विजय उराम बोले कि नहीं, तुम्हारे अकाउंट में पैसा गया है, निकाल के दे दो, मनरेगा का पैसा डलवाए हैं। कितना पैसा डलवाए? 5-6 हजार डलवाए थे। अच्छा, तो हम निकाल के दे दिए। उसके वजह में कुछ पैसा दिए? नहीं, 200 दिए थे पैसा। मात 200। ये वाकया है लातेहार जिले के सदर प्रखंड के सीसी पंचायत का। छठराम अकेले ऐसे शख्स नहीं है, पंचायत में कई लाभुकों के नाम पर पैसे की निकासी कर ली गई, लेकिन जमीन पर ना योजना दिखी और ना ही इसकी खबर लाभुकों को लगी। जिसकी जमीन नहीं उनके नाम पर भी योजनाओं को पारित कराकर हजारों लाखों का वारा न्यारा किया गया। क्या मामला है, क्या योजना भी ना काम भी निकला है, क्या जानकारी है आपके पास? कुछ नहीं जानते हैं सर, हमको खेत में कुछ कर वजन किए हैं। हाँ। पैसा निकाल के खा गया सर। कितना पैसा निकाल लिया? 42,000। कौन निकाला है? सकिंदर मांझी। ग्रामीणों की माने तो सीसी पंचायत मनरेगा में लूट का सबसे बड़ा उदाहरण है। कागजों में 800 से ज्यादा योजनाओं पर मुहर लगी, पैसे लोगों के जेबों में पहुंच गए और जमीन पर 100 योजनाओं का भी अता पता नहीं। और ये सब मुखिया, पंचायत सेवक और रोजगार सेवक के मिली भगत से हो रहा है। सीसी पंचायत में सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर में मनरेगा के काम किया कराया जा रहा है, धरातल पर काम नहीं है। 800 योजनाएं तकरीबन सरकार के यहाँ से स्वीकृति है और जिसमें धरातल पर देखा जाए तो पेन पेपर में सिर्फ है, धरातल पर 100 योजना भी नहीं है। झारखंड खतियान पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राम सिंह ने कहा कि मनरेगा में खुलेआम लूट हो रही है। डीसी से लोगों ने कई बार गुहार लगाई लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही है। पूरा प्रूफ भी हम लोग का जेल में है। देखिए, जेल में है सोनू कुमार सिंह, 9/5/23 को जेल जाता है जी, और फिर बाहर आता है 1/7/2023 को। पूरा सब डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि छठराम सिंह है, नाबालिग है, बहुत सारा इतना देते हैं कि फिर भी कुछ जाँच नहीं हो रहा है। इतना बंदरबाट हो रहा है रोजगार सेवक, मुखिया और पंचायत सेवक। लेकिन जांच टीम तो यहाँ आई थी आपके? जांच की टीम आई थी, बस ऐसे
लिपपोत के चली गई। लातेहार जिले में इससे पहले भी कई पंचायतों से मनरेगा में मनमानी की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन हर बार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई, ना जांच हुई, ना किसी पर आँच आई, सब कुछ पहले की तरह चलता रहा। यही वजह है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार का दायरा हर हद को लांघने लगा है। जनता के पैसे की लूट हो रही है और ग्रामीणों को रोजगार भी नहीं मिल रहा। लातेहार से TV45 के लिए रूपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि कैसा फर्जीवाड़ा हुआ है, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। और सिर्फ फर्जीवाड़ा हुआ ये खबर नहीं है, जबकि इसकी जानकारी अधिकारियों तक दी गई, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। बड़ी खबर तो उससे ज्यादा ये है। हमारे सहयोगी रूपेश अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रूपेश, इतनी बड़ी धांधली हुई मनरेगा योजना में, उसके बाद जब ज्ञापन भी सौंपा गया डीसी को, ये कहा गया कि कार्रवाई होगी, आश्वासन तो मिला था, लेकिन अब तक कोई भी रडार पर नहीं आया कि जो प्रतिनिधि जिन पर यह जिम्मा था कि मनरेगा जॉब कार्ड में किनका किनका नाम ऐड करना है या फिर किनके खाते में पैसे जा रहे हैं, ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया, इस पर कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं, क्यों? देखिए, बिल्कुल आप ही बता देना चाहेंगे कि लगातार मनरेगा फर्जीवाड़ा का खबर TV45 दिखा रहा है और कहीं ना कहीं लाते मनरेगा योजना कागजों में भले ही मजदूरों को रोजगार देने की गारंटी वाली योजना है, परंतु वर्तमान में इस योजना की स्थिति ऐसी हो गई है कि भ्रष्टाचार के गारंटी की योजना बन गई है। ताजा उदाहरण लाते हैं जिले के सीसी पंचायत में देखने को मिल रही है। मनरेगा घोटाला का आलम यह है कि जेल में बंद कैदी के नाम पर भी मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। दरअसल लातेहार सदर प्रखंड के सीसी पंचायत में मनरेगा योजना फर्जीवाड़ा का एक मामला ऐसा आया है जहां पर मनरेगा योजना कागजों पर संचालित होकर बड़े पैमाने पर आर्थिक बंदरबाट किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 600 से अधिक योजना स्वीकृति दिखाई जाती है कागजों पर, परंतु धरातल पर काम दिखाई देता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लाभुकों ने जो विजय सिंह है, श्री राम सिंह ने आरोप लगाया कि पंचायत के ऊपर रोजगार सेवक और मुखिया पर इन लोगों ने द्वारा करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। धरातल पर देखा जाए तो कुछ योजना है, जबकि काम कागज पर 600 से अधिक योजनाएं दिखा दी गई है और साथ ही बिचौलियों के द्वारा जेल में बंद कैदी का नाम पर भी पैसा निकाला जा रहा है। महेश भुइया कुंवर कई ऐसे लाभुक है जिनके नाम पर फर्जी तरीके से कागज पर ही किसी भी निर्माण कर पैसे निकालने का लगातार मामला आ रहा है और कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला है। हम मान के चलिए इसका फर्जीवाड़ा है, इस पर कई लोगों ने आवेदन भी दिया था कुछ महीने पहले उपायुक्त को, जिस पर एक उपायुक्त ने गंभीरता से जांच समिति गठित की गई थी और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया था, लेकिन जांच होने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। आपको हम कह सकते हैं कि अगर जो फर्जीवाड़ा है, मान के चलिए अगर हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में हम अगर जाएंगे एडमिशन, अगर मेरा हाजिरी बनेगा तभी ना हम दिखेंगे। मान के लिए अगर काम किया ही नहीं है मजदूर और अगर जेल में बंद है तो उसके नाम से कैसे पैसा निकल जा रहा है, कहीं ना कहीं रोजगार सेवक को जांच कराता है बिना जांच। अच्छा, ये देखिए रूपेश, एक सवाल यहाँ ये भी है, एक सवाल ये भी है रूपेश। रूपेश, जो जांच के आदेश दिए गए, आप कह रहे हैं कि जांच कराई गई, लेकिन वो जांच रिपोर्ट कहाँ है? अब ये तो भाई जांच किए हैं, क्या रिपोर्ट हुआ, क्या कार्रवाई हुआ, ये तो वरीय अधिकारी बता पाएंगे, लेकिन जांच इतने दिन हो जाने के बाद भी जांच के नाम पर लोग कहना है कि सिर्फ खाना पूर्ति हुई है कहीं पर। अगर जेल में बंद कैदी के नाम पर फंसने वाला है तो ऐसे मामले पर जब कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है ना आती, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जिस तरह से एक महिला, एक विधवा महिला से हम कल हमको बयान दी कि मेरे नाम से भी 42,000 का TCB पैसा निकाल लिया गया और उनको तब मालूम चला जब ऑडिट की टीम वहां पहुंची और कही कि आपके नाम से 42,000 का TCB योजना हुआ गया, पर साइन कीजिए, तो जब उसको जानकारी नहीं है कि मेरे नाम से पैसा निकल गया हो, अब TCB बन गया है, तो कहीं ना कहीं गंभीर मामला, खुद आरोप ग्रामीण जो लाभु को खुद बता रहे हैं, खुद भ्रष्टाचार के मामले सामने खुल के आ रहे हैं, भूमिहीनों के नाम से भी TCB योजना पास कराकर पैसा निकाला जाए, तो कहीं ना कहीं गंभीर मामला। इस पर तो सरकार को और प्रशासन को एकदम कार्रवाई करनी चाहिए कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, एक नहीं नाबालिग बच्चों के नाम पर भी ID निकाल कर पैसा निकासी हो रहा है, कुछ नाबालिग बच्चे भले कैमरे के सामने बोलने से हिचकते नजर आए, लेकिन कई ऐसे नाबालिग बच्चों में भी हम ID मेरे पास प्रमाण है कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। हम तो ED महोदय को भी कहेंगे कि जिस तरह से अंचल को, जिस तरह जमीन का मामला खंगाल रहे, कभी मनरेगा का लाते हम इस घोटाला के जांच करें तो कितना बड़ा घोटाला सामने आ गई, बहुत बड़ा सवाल है कि जी आप
चलिए तो ये अब ये देखना होगा रुपेश कि ये इतनी सारी चीजें सामने है। बाकायदा डीसी को ज्ञापन सौंपा गया, डीसी ने ये कहा भी कि जांच कराई जाएगी, ये भी कहा जा रहा है कि जांच कराई गई है, लेकिन जांच के बाद वो रिपोर्ट कहां चली गई जिसमें ये सारी चीजें थी कि एक जेल में बंद कैदी के नाम पर मनरेगा के पैसे निकाल लिए गए, स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चों के नाम पर पैसा निकाले गए, टीसीबी योजना के नाम पर महिलाओं के खाते से पैसों की निकासी कर ली गई, लेकिन देखने वाला कोई भी नहीं है। बस सब उलझे पड़े हैं अपने कमीशनखोरी के चक्कर में ऊपर से नीचे तक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए रुपेश आपका। डीसी और वीडियो से भी बात करने की कोशिश की, डीसी से बात तो नहीं हो पाई, डीसी ने फोन उठाना लाजमी नहीं समझा और वीडियो ने यह कहा कि वो निजी काम से वो बाहर हैं, वो अभी इस पर बात नहीं कर सकते। यानी कैसे अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं ये भी आपके सामने है। आपको बता दें कि इस पूरे रिपोर्ट में आपने ये भी देखा होगा कि हमने दिखाया कि बकायदा ये ज्ञापन भी सौंपा गया था उपायुक्त को और ये कहा गया था कि बड़ा फर्जीवाड़ा है ये, इसकी जांच कराइए। और डीसी ने ये कहा था, आश्वासन दिया था कि जांच कराई जाएगी और ये कहा जा रहा है कि जांच भी कराई गई है, लेकिन ये सिर्फ खानापूर्ति रही, ये सिर्फ आश्वासन ही रहा, महज दिखावे के लिए ये जांच हुई, खानापूर्ति कर दी गई, पेपर तैयार कर दिए गए, लेकिन वो रिपोर्ट कहां है ये किसी को नहीं पता कि जांच में सच क्या सामने आया। क्या वाकई जेल में बंद कैदी के नाम से पैसे निकासी कर लिए गए? क्या जो कैदी जेल में बंद है उसे मनरेगा मजदूर बनाया गया, उसके नाम से पैसे निकाले गए? स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 15-16 साल के, उन्हें मनरेगा मजदूर बताकर उनके नाम पर पैसों की निकासी कर ली गई? जो विधवा महिला जिसे टीसीबी के माध्यम से पैसे मिले थे उसके खाते से 40,000 रुपए की निकासी कर ली गई? आखिर ये सब कर कौन रहा है? और अगर जांच हुई है तो वो रिपोर्ट कहां है? ये सभी सवाल हैं जिनके जवाब प्रशासन को देने होंगे, आज नहीं तो कल।